मोबाइल में घुसे हुए क्या हुआ? इतना चिंतित हूँ पेन से लिपटे हुए। अरे रागिनी, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, मैं यूँ हूँ, लेकिन आप इतना चिंता चिंतन, ये क्या? नहीं नहीं, चिंता नहीं, चिंतन कर रहे हैं। है क्या कि आप पढ़े लिखे, मम्मी पापा बुजुर्ग हैं, बहन की शादी करना है, तो हमारे जैसा लड़का चिंता नहीं करेगा तो क्या करेगा? इस समय कोई काम भी नहीं है, अच्छा, खर्चा भी बढ़ा हुआ है। इसमें कोई चिंता करने की बात है? बेरोजगार हैं तो क्या दिक्कत है, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? माँ बाप बूढ़े हैं, बहन सारी है, तो क्या दिक्कत है परेशानी लेने? जानते हैं कोई भी समस्या का निदान होता है बैठ के हल सकते, चिंता करने से कोई हल नहीं मिलेगा। मैं बात यह है कि आप देखिए, आप लोग सारी जमींदार घर की लड़की, आपके पापा के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है, मेरे पापा बहुत छोटे किसान, तो इसमें कुछ क्या होगा, है ना? कोई उपाय है नहीं। अब हम ये सोच रहे हैं कि शहर में भी नहीं जा सकते हैं बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके। तो एक बात बताइए, इसमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है? ये बड़े घर की बेटी या जमींदार या किसान की बेटी या फिर बड़े पैसे वाले की बेटी, इससे क्या संबंधित है? कार्य तो हर इंसान को करना पड़ता है, चाहे वो छोटे लोग हैं, छोटे बड़े लोग हैं, कोई भी हो। रागिनी, यही समझ में नहीं आ रहा है क्या काम करें। जानते हैं स्किल इंडिया के तहत जो है हर बेरोजगार को प्रशिक्षण दे करके रोजगार दिया जाता है, तो आप चाहिए और सारे व्यक्ति प्रशिक्षण लीजिए और फिर रोजगार मिलेगा। हम भी लिए हुए तो हमको भी मिला, और भी बहुत सारे लोग हैं, इसके तहत हर तरह के प्रशिक्षण दी जाती है। पूरी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप यहीं पर रहिए, हम ले के आते हैं डॉक्टर प्रेम कुमार जी को, वो सलाहकार हैं और ये सारी बातों की जानकारी दे देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेके आइए, जल्दी लेके आप इसे जगह। आप यहाँ रहिएगा, हम उनको लेकर के आते हैं, पूरी जानकारी मिल जाएगी, फिर आप गांव में रोजगार भी कर लीजिएगा और अपने माँ बाप को भी देख लीजिएगा, बड़ी अच्छी जानकारी मिलेगी ना। आते हैं लेके। अरे देखिए, आप अपने मोबाइल में लगे हुए हैं धर्मेश जी, और हमारे डॉक्टर साहब प्रेम कुमार जी आ गए हैं, हम बोले हुए थे ना जानकारी के लिए। अच्छा सर है जो क्या कहे हैं, नेहरू युवा उतना तो जानकारी नहीं है, फिर परिचय ले लेते हैं। सर आप अपना परिचय दे दीजिए हमें और हमारे दर्शकों को। प्रेम कुमार युवा सलाहकार हैं, और हम लोग युवा मंडल के माध्यम से कौशल विकास स्किल इंडिया और जो भी सरकार का योजना रहता है उसको ग्रामीण स्तर पर पहुंचाने के लिए हम लोग काम करते हैं। सर एक चीज़ है कि रागिनी बता रही थी कि स्किल इंडिया करके सरकार की कुछ योजना है जिसके तहत, जैसे देखिए सर, हम बहुत चिंतित थे, अभी पढ़े लिखे नहीं हैं हम ज़्यादा, फिर भी चिंतित, देखिए पापा बुजुर्ग है ना, मम्मी भी, और बहन की शादी करना है, तो कोई काम नहीं करेंगे तो चिंता फिक्र तो हो ही जाता है ना। सही बताइए कि स्किल इंडिया के तहत आपको ट्रेनिंग भी मिल जाएगा, रोजगार भी मिलेगा। सर हमको थोड़ा ये बताइए स्किल इंडिया क्या है? स्किल इंडिया माननीय प्रधानमंत्री जी का अति महत्वाकांक्षी योजना है, और इसमें युवाओं को हुनरमंद बनाने का और कौशल उसमें पैदा करने के लिए यह कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। यह पूर्णतः निःशुल्क है, इसमें आपको एक रुपया भी कहीं कोई चार्ज नहीं देना है, और कौशल विकास योजना में अपने अब स्वेच्छा के अनुसार आप जिस चीज़ में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, जिस विषय में आपका इंटरेस्ट है उसमें आप प्रशिक्षण प्राप्त करें, और जॉब ओरिएंटेड है, प्रशिक्षण के बाद आपको जॉब की गारंटी है, और यह हर ब्लॉक स्तर पर भी है, आप उसमें प्लम्बर का, बढ़ईगिरी का और ट्रेडिशनल प्रशिक्षण भी ले सकते हैं। और अभी एक और इसमें CSR के अंतर्गत भी हुआ है कि जो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनको मैन पावर की आवश्यकता है, वो लोग भी अपने स्तर से स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम चला रहे हैं, और अपने स्तर से वो अपने जो मैन पावर है उसको प्रशिक्षित करके उसको अपने कंपनी में भी जॉब दे रहे हैं। अभी हाल ही में केयर गिवर का यहाँ हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बिहार में लगभग 500 लोगों को केयर गिवर का प्रशिक्षण हुआ, और आज सारे लोग अस्पताल में काम कर रहे हैं। इस तरह से यह युवाओं के लिए बहुत ही अति महत्वाकांक्षी योजना है, और इसका लाभ देश में लाखों करोड़ों लोग उठा रहे हैं।
निश्चित रूप से अब समय बदल गया है, अब आपको डिग्री से काम नहीं चलेगा। अगर आपके पास सिर्फ डिग्री है, आपके पास स्किल नहीं है, हुनर नहीं है, तो काम चलने वाला नहीं है। ऐसे में यह जो स्किल इंडिया कार्यक्रम है, यह मील का पत्थर साबित हो रहा है और कौशल विकास से दूर होगी बेरोजगारी और स्वरोजगार की ओर लोग अग्रसर हो रहे हैं इससे प्रशिक्षण लेके, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। बात आई कि प्रशिक्षण के बाद हमें रोजगार मिल जाएगा, है ना, तो इसमें एक प्रश्न अहम है कि आखिर हम प्रशिक्षण लेने के लिए कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कैसे पहुँचेंगे? हम तो सर ठहरे गाँव का आदमी, कुछ जानकारी नहीं है। हमारे जैसे इस गाँव में, पूरे गाँव में, पूरे इलाके में बहुत लड़का ऐसा है जिसको पता ही नहीं है। वो तो अभी रागनी बता दी है ना कि भाई इसमें रोजगार के माने प्रशिक्षण मिलता है, हम लोग कहाँ जाएंगे सर, किसके पास जाएंगे जहाँ हमको प्रशिक्षण मिलेगा? देखिए, कुछ योजना ऐसा भी है जिसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्लस्टर बनाते हैं, आप 25-30 लोगों का एक टीम बना लेते हैं, तो आपको गाँव में ही प्रशिक्षण हो जाएगा। उसमें कृषि विज्ञान केंद्र, आत्मा और खादी आयोग, ये सब गांव में आपको प्रशिक्षण कराएंगे, लेकिन इंडिविजुअल नहीं, एक व्यक्ति के लिए नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति गांव में मशरूम उत्पादन करना चाहता है, कोई जैविक खाद बनाना चाहता है, कोई बटेर पालन करना चाहता है, कोई बकरी पालन करना चाहता है, कोई गाय पालन करना चाहता है, इस तरह से आप अगर बना लेते हैं टीम, एक समूह बना लेते हैं, तो आपको गाँव में ही प्रशिक्षण करा दिया जाएगा। कुछ सेंटर्स भी हैं ब्लॉक स्तर पर जहां आप जाकर प्रशिक्षण ले सकते हैं, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो कौशल विकास मिशन है, इसके अंतर्गत आपको आवासीय प्रशिक्षण है जिसमें आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ट्रेनिंग, इंग्लिश स्पोकन का प्रशिक्षण और ट्रेड का भी, टेक्निकल ट्रेड का भी प्रशिक्षण निःशुल्क आवासीय आपको सारा व्यवस्था मुफ्त में मिलेगा, रहने का, खाने का, और प्रशिक्षण भी फ्री है। इस तरह से आपको जिस क्षेत्र में रुचि है, आप प्रशिक्षण आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कौशल विकास योजना के तहत जो भी विद्यार्थी या फिर महिलाएं या कोई जो पुरुष या कोई भी इंसान, जो इसका एज लिमिटेड क्या है, जो प्रशिक्षण ले चुके हैं, कुछ स्टूडेंट ले चुके हैं प्रशिक्षण, लेकिन कुछ महिलाएं या फिर पुरुष जो लेना चाहते हैं प्रशिक्षण, जिनको कोई रोजगार नहीं है, वो व्यक्ति के लिए क्या एज लिमिट भी है इसमें, जैसे उम्र की सीमा भी है? देखिए, इसमें कई ट्रेड है। अच्छा। ऐसे तो हम लोग 18 से 35 तक के लोगों को ही प्रशिक्षण देना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी ट्रेड है जिसमें आप कुछ ज़्यादा एज वाले भी ले सकते हैं। जैसे आप जैविक खाद बनाना है या मशरूम उत्पादन करना है, तो उसमें आप अगर घर में काम करते हैं तो आपके और घर के लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो इसमें कुछ ऐसा हार्ड फास्ट नहीं है, जो योग पढ़ाई लिखाई भी एकदम मिनिमम योग्यता रखा गया है, 8वां पास व्यक्ति भी प्रशिक्षण के पात्र होंगे। अब जैसे कोई ट्रेड में, कोई स्ट्रक्चर में उसको स्किल लेना है, तो उसके लिए वो 8वां पास भी है तो चलेगा। इस तरह से बहुत ही इसको लचीला बनाया गया है इस योजना को, कि अधिक से अधिक लोग, और अधिक से अधिक, जो हमारा भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और हमारे पास 65% यूथ पॉपुलेशन है, ये अपने आप में एक ह्यूमन रिसोर्स है, ये हमारा एसेट है, ये हमारा एक संसाधन है, इसको हम कैसे सदुपयोग करें और इस ऊर्जा को हम कैसे रचनात्मक कार्य में लगाएं, इसको लेकर यह स्किल इंडिया कार्यक्रम चलाया गया है। तो सर, अभी हम ये जानना चाहेंगे, जो विद्यार्थी जो कौशल विकास योजना के तहत जो अपने प्रशिक्षण ऑलरेडी ले चुके हैं, उनके लिए क्या जॉब प्रावधान है, वो कहाँ जाएंगे अपनी नौकरी लेने के लिए, उसे कैसे मिलेगा नौकरी? देखिए, उनको जाना नहीं है, जिस इंस्टीट्यूट में वो प्रशिक्षण लिए हैं, हाँ, उस इंस्टीट्यूट को ही यह जिम्मेवारी है कि आप उनको इनरोलमेंट भी कराएं। अच्छा। उनको काम ढूंढकर, जैसे अभी आपको हम बताएं कि केयर गिवर में हम लोगों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया, तो हम लोगों ने प्रिंस फाउंडेशन और कई संस्था मिलकर उसको, हम लोग ही उसको रोजगार भी उपलब्ध कराए। अब गाँव का व्यक्ति को किसी को आप जॉब के लिए भेजिएगा, उसके बस की बात नहीं है। इसलिए सरकार ने यह मानदंड बनाया है कि जो इंस्टीट्यूट उसको ट्रेनिंग कराएंगे, वही उसको रोजगार भी उपलब्ध कराएंगे। अब हम यहाँ पर यह जानना चाहेंगे सर, जो गांव की महिलाएं हैं, जो अनपढ़ है, जरा सा भी पढ़ा हुआ नहीं है, क्या कौशल विकास तहत योजना के तहत उनको प्रशिक्षण दी जा सकती है? देखिए, उनको कुछ तो अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो उनको साक्षर बनाइए, इसमें साक्षरता मस्ट रखा गया है। अच्छा। कि उनको कुछ योग्यता होना चाहिए, और घर में उनको जो पढ़े लिखे, मान लें उनका बहू या बेटी या घर का कोई यूथ पढ़ा हुआ है, उसको आप प्रशिक्षित कीजिए,
और महिलाएं फिर उनसे प्रशिक्षण ले लेंगे, लेकिन इसमें कुछ साक्षर होना आवश्यक। मतलब इसके लिए प्रशिक्षण लेना, मतलब लेने से पहले आपको साक्षर होना बहुत ही जरूरी। एक बात यहाँ और आ रही है कि जैसे ठीक है कौशल विकास के तहत युवाओं के लिए प्रावधान रखा गया, गांव में ऐसे हैं जो बुजुर्ग है खेती बाड़ी के अलावा कुछ जानते नहीं लेकिन थोड़ा बहुत पढ़े लिखे, क्या उन लोगों के लिए इसमें कोई योजना है, कोई प्रावधान है? और उनके लिए भी किसान के लिए भी कार्यक्रम है, किसान को हम लोग एक्सपोजर विजिट कराते हैं और नाबार्ड के द्वारा किसान क्लब चल रहा है जिसमें समय समय पर उनको प्रशिक्षित करने का, उनको जानकारी देने का, वो कैसे गुणवत्तापूर्ण खेती करें, कैसे वो अपना जो उनका प्रोडक्ट है उसको और बेहतर बनाएं, कैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाएं। अभी अभी पूरा देश जैविक प्रोडक्ट पर, प्रधानमंत्री जी भी का मानना है कि जो गंगा का क्षेत्र है इसमें अधिक से अधिक जैविक उत्पाद को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए किसान को भी टाइम टू टाइम प्रशिक्षण का देते हैं। सर अभी हम आपसे ये जानना चाहेंगे जो विद्यार्थी या महिलाएं या पुरुष जो भी हो कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण ले चुके हैं, प्रशिक्षण लेने के बाद अगर वो अपना खुद का कोई उद्योग करते हैं तो उसमें क्या इसके तहत कोई सरकार मदद करती है? कौशल विकास योजना के तहत कोई सरकार मतलब पैसे या फिर मतलब छोटे से बिजनेस स्टार्ट किया, कोई उद्योग अगर स्टार्ट किया तो उसके लिए सरकार मदद करती है? बहुत अच्छा सवाल आपका है राजू। सरकार की कई योजना है और हम पहले ही बताए हैं कि स्वरोजगार से दूर होगी बेरोजगारी, किसी भी सरकार की यह बस की बात नहीं है कि हमारा जो 60-70% यूथ है इसको हम सरकारी नौकरी दें या इसको हम कहीं एम्प्लॉयमेंट दें, संभव नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक ब्रॉड स्कोप है और इसमें जो बच्चा इस तरह का हमारा यूथ जो प्रशिक्षण ले रहा है उसको सरकार का कई योजना है, जैसे उसको मुद्रा योजना में उसको मिल सकता है पैसा रोजगार करने के लिए। अब प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है जिसमें 5 लाख से लेकर 25 लाख रुपया तक उसको मिलता है, इसमें 35% ग्रामीण क्षेत्र में सब्सिडी है और शहरी क्षेत्र में 25%। उसको युवा उद्यमी योजना, अभी बड़ा अच्छा योजना शुरू हुआ है युवा उद्यमी योजना, जिसमें 10 लाख तक कोई भी युवा जो है उद्यम करना चाहता है उसको मिलेगा और उसे 50% अनुदान है। अभी प्रोड्यूसर कंपनी बन रहा है, अगर आप एक तरह के काम कर रहे हैं, एक तरह का आपका प्रोडक्ट है, तो मान लीजिए 50 लोग मधुमक्खी पालन कर रहे हैं तो उसका एक प्रोड्यूसर कंपनी बनेगा और प्रोड्यूसर कंपनी को भी नवाडा और कई एजेंसी उसको आर्थिक सपोर्ट कर रहा है। इस तरह से जब भी हम क्लस्टर में काम करते हैं तो आर्थिक सहयोग का भी व्यवस्था इसके लिए है। अभी जो देखते हैं जो कुछ महिला या पुरुष या जो भी हो जो अनएचर स्टूडेंट को जिसको प्रशिक्षण मिली है वो अपना रोजगार शुरू करें, आप बोले कि उनको जो है सरकार मदद करती है ऐसे देती है, तो वो उनके लिए क्या वो सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, वो फिर कहाँ जाना पड़ेगा वो पैसे लेने के लिए? देखिए जितना भी योजना का आपको नाम बताया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुद्रा योजना, स्टार्टअप, युवा उद्यमी योजना, इन सबका आवेदन ऑनलाइन होता है। अच्छा, और आप क्या काम करना चाहते हैं उसका पहले एक आप प्रोजेक्ट बनाएंगे। अच्छा। कि आप क्या करना चाहते हैं, कहाँ करना चाहते हैं और इस तरह से एक आप कितना आपको उसमें खर्च आएगा, इस तरह से आप एक बना के आप ऑनलाइन आवेदन करें और उसके बाद आपको बुला के इंटरव्यू होगा। हालांकि युवा उद्यमी योजना में तो लॉटरी से चयन हुआ, तो इस तरह से आपका आपसे एक साक्षात्कार होगा कि जो व्यक्ति लोन के लिए आवेदन किया है कि इसकी लोन के लिए इंटरेस्टेड है, क्या कर सकता है, थोड़ा उसका साक्षात्कार मौखिक रूप से होता है, फिर उसका जो मतलब ये कहने का तात्पर्य ये है सर जो जो व्यक्ति प्रशिक्षण ले चुके हैं अगर वो उस चीज़ का लाभ उठाना चाहते हैं या कोई छोटी उद्योग करते हैं तो उनके लिए उसको एक प्रोजेक्ट मतलब तैयार करके जाना पड़ेगा, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा और फिर उनको इंटरव्यू होगा, फिर उनको पैसे मिलेगा। इसके लिए क्या सिक्योरिटी मनी भी कोई है, जैसे कोई अगर किसी को साथ में लेके जाना पड़ेगा या फिर कोई पैसा भी उसे दिया जाता है कुछ? और देखिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 10 लाख तक कोई कोलैटरल का आवश्यकता नहीं है, कोई गारंटर का आवश्यकता नहीं है, लेकिन जैसे ही आपका लोन का राशि बड़ा होता है उस स्थिति में आपको गारंटर की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन हम चाहते हैं कि पहले हमारा जो युवा है छोटे स्तर से ही शुरू करें
और कोई भी कार्यक्रम छोटे स्तर से शुरू होकर उसको फिर हम बड़ा व्यापक रूप दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। स्किल इंडिया के तहत कितने प्रकार के कोर्सेज प्रशिक्षण के लगते हैं? देखिए, स्किल इंडिया में लगभग 1000 ट्रेड में प्रशिक्षण हो रहा है और हर चीज़ जो भी आप सोचते हैं, मोबाइल रिपेयर से लेकर मोटर वाहन चलाने का प्रशिक्षण, प्लम्बर का प्रशिक्षण, बढ़ईगिरी का प्रशिक्षण, सिलाई कटाई का, ब्यूटिशियन का, सारा कोर्स जो भी आप सोचते हैं सारा 1000 ट्रेड है। इसमें आप पर निर्भर करता है कि आपका इंटरेस्ट का क्षेत्र क्या है, कि आप जहाँ उद्योग करना चाहते हैं वहाँ का भौगोलिक स्थिति क्या है, वहाँ रॉ मटेरियल क्या होगा, वहाँ कच्चा माल। अभी हाजीपुर में केला की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होता है। अभी वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र और पंचमूर्ति एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी मिलकर वहाँ कुछ काम किया है कि केला के जो थम होता है, थम समझ रहे हैं ना, केला का जो केला काटने का जड़, हाँ, उसका रेशा से वहाँ बहुत अच्छा अच्छा बैग बन रहा है। वहाँ उससे स्लीपर चप्पल बन रहा है, उससे चटाई का निर्माण हो रहा है, उससे बहुत ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है। देखिए, अब उससे 2 लाख हुआ, जो थम और केला का जो पेड़ हुआ उसको लोग किसान फेंक देता था, आज उसका पैसा उसको मिल रहा है, उसका उपयोग हो रहा है और किसान का आय भी बढ़ा। और जो उसका यूज कर रहे हैं, जो प्लास्टिक हम यूज करते हैं उससे अच्छा है कि हम एक जैविक प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, नेचुरल कर रहे हैं। इस तरह से आजकल तो केला की तरह से प्लेट भी बन रहा है, बहुत सारा प्रोडक्ट उससे शुरू हो गया। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें कि क्या केला से नाव भी बनाने की बात है, क्योंकि बचपन में ऐसा सुनते थे सर कि केला का जो थम को बांध करके हम लोग इलाका पार किया करते थे, तो क्या उसे नाव का भी बना? इसके बारे में तो अभी कोई ऐसा नहीं हमको ऑथेंटिक जानकारी है, लेकिन प्रोडक्ट जो बन रहा है वो बहुत ही हाई क्वालिटी है और इसका मार्केट बहुत बड़ा है। अभी हर लोग अब अवेयर हैं, वो अपने हेल्थ के बारे में सोचते हैं कि हमको क्या पहनना है, क्या हमारे लिए यूजफुल होगा, और इस तरह से हम बाय प्रोडक्ट जो हमारा है। अब जैसे अभी एक मुजफ्फरपुर में शुरू हुआ कि प्लास्टिक का जो कचरा है उससे डीजल और पेट्रोल बन रहा, तो हम इसका भी उपयोग करें। अभी गोबर से जैविक खाद का निर्माण हो रहा है, गौमूत्र से छिड़काव बन रहा है कीटनाशक का। इस तरह का हम बहुत सारा प्रोडक्ट है जिसको हम यूजफुल बना के और घर में गांव में हम बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा कर सकते हैं। एक बात और यहाँ हम जानना चाहेंगे कि मान लीजिए 1000 किस्म के प्रशिक्षण है, तो उसमें इंटरेस्ट पैदा करने के लिए उसकी जानकारी लोगों को कहाँ मिल पाएगी कि इतने चीज़ों में हम प्रशिक्षण दे रहे हैं? क्या सभी कौशल विकास केंद्र पर सारे के सारे प्रावधान हैं? नहीं, सारे कौशल विकास केंद्र पर हर ट्रेड का प्रशिक्षण नहीं, उसके लिए अलग अलग प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है। आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, हम चाहते हैं कि काम थोपा नहीं जाए। अगर हम किसी को ज़बरदस्ती थोप देंगे वो काम अच्छा नहीं करेगा। हम चाहते हैं कि पहले उसको हम परामर्श दें, फिर उसको गाइडेंस दें, फिर उसको ट्रेनिंग कराएँ, फिर उसको हम प्रोडक्शन कराएं, फिर उसको मार्केटिंग कराएं, और फिर उसके बाद उसका एक्सपोर्ट हो। इस तरह से अगर हम सर्किल में काम करेंगे निश्चित रूप से सफलता होगा। और यूथ को सिर्फ काउंसलिंग कीजिए, उसको बताइए और उसका भी थोड़ा इंटरेस्ट देखिए कि उसका किस सेक्टर में इंटरेस्ट है। अगर जिधर उसका इंटरेस्ट है उस क्षेत्र में उसको अगर हम प्रमोट करते हैं तो बहुत बेहतर करेगा। अभी सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, इतनी अच्छी अच्छी आप जानकारी दीजिए जो क्या हो सकता है कौशल विकास क्या है ये है। देखिए, आपको मिला ना जानकारी, अब तो आप रोजगार कर सकते हैं ना। एक सवाल और है मेरे मन में, अब हम इसका अगर कौशल विकास केंद्र की स्थापना करना हो मुझे तो उसके लिए क्या करेंगे? और कौशल विकास केंद्र भी आप बना सकते हैं, उसके लिए आप यहाँ श्रम विभाग में संपर्क करें और नया कौशल विकास केंद्र खोलना चाहते हैं तो उसका पूरा जो क्राइटेरिया है फुलफिल करें, आप कौशल विकास केंद्र बना सकते हैं। अब सर हम ये जानना चाहेंगे जो क्या कौशल विकास योजना के तहत सारे लोग लाभ ले सकते हैं, उन सब इसमें कोई जाति या कास्टेबल प्रॉब्लम या फिर मेल या फीमेल का इसमें नहीं है ये कोई? देखिए, हमको एक एक व्यक्ति को हुनरमंद बनाना था जी, और कौशल विकास से ही बेरोजगारी दूर होगी। और हमारा जो यह यूथ पावर है, जो हमारा यूथ पॉपुलेशन है, ये हमारा एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। अगर हम इसको स्किल्ड कर दें तो हम निश्चित रूप से दुनिया में भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा और हम अग्रणी देश में शुमार हो सकते हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे सर
जो कौशल विकास योजना के तहत, इसी पे हम बार बार आ रहे हैं, हमारे देश का अभी तो जनसंख्या पे भी वर्ल्ड नंबर एक पर आ गया है पूरे, अब इसके तहत क्या सारे उन सारों लोगों को रोजगार मिल जाएगी जो भी इस चीज का प्रशिक्षण लेंगे, उनकी क्या गारंटी और कहाँ से वो लोग रोजगार लेंगे? देखिए, जब आपके पास स्किल हो जाएगा, जब आप प्रशिक्षित हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से आप स्वावलंबी बनेंगे। और प्रशिक्षण कोई भी ले सकता है, इसमें कोई किसी तरह का बंदिश नहीं है, कोई भी व्यक्ति प्रशिक्षण के पात्र है और प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। प्रशिक्षण के लिए कितना शुल्क देना होगा? कोई शुल्क नहीं, निःशुल्क। हाँ, निःशुल्क। और हम जब रोजगार प्राप्त कर लिए, फिर हमारी इच्छा पर निर्भर करता है कि हम रोजगार करें। कुछ प्रशिक्षण में आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। अब हम आपसे यह जानना चाहेंगे सर, जो आप बोले कि महिलाओं ये जो प्रशिक्षण लेते हैं, वो अब उन महिलाओं का क्या जो कि गांव में है, उनको कोई ना तो कंप्यूटर का या ऑनलाइन ना कर सकती है आवेदन, या उसको तो कोई जानकारी है नहीं, तो वो व्यक्ति गांव के जो अंदर देहात में है, वो कैसे इस प्रशिक्षण का लाभ ले सकती है, इन पर जरा प्रकाश डाल। देखिए, हम लोगों का गाँव स्तर पर भी महिला मंडल है जी। और अभी जीविका जीविका का समूह बन रहा है, वहाँ आप उनका सर्वे करें और उनको गांव में जो सुविधा केंद्र बना है वहाँ जाकर उनको आप इनरोलमेंट करा सकते हैं और उनको प्रशिक्षण का व्यवस्था होगा। अगर 25-30 लोगों का आप समूह का निर्माण करते हैं एक खास ट्रेड में, तो उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। सर, आप आए और इतनी अच्छी जानकारी दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी हमारे ग्रामीण प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं हमारी कार्यक्रम, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनको हम यही संदेश देना चाहेंगे कि नौकर नहीं, आप मालिक बनिए और स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाइए, प्रशिक्षण लीजिए, स्वरोजगार की तरफ कदम बढ़ाइए और मालिक बनिए। सर, आए आप, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमें तो अच्छी अच्छी जानकारी मिली, अगर आपको कोई जानकारी देना चाहते हैं या फिर कोई सुझाव लेना चाहते हैं तो हमारा पता नोट करिए। हमारा पता है कार्यक्रम गाँव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फेजर रोड, पटना 801। और हमारी ईमेल आईडी है director.dd@patna@gmail.com। और इसी के साथ प्यारे दर्शकों, हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले अंक में किसी खास विषय के साथ। तब तक इस लोकगीत का आनंद लीजिए। नमस्कार। Oh।
आते धीरे धीरे जब कचहरी आते धीरे कचहरी आते धीरे।